हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम क्या कर रहा है यार? संडे मना रही हो? हाँ, क्या? संडे मना रही हो? हाँ कल ना, देख उठ गए। हम हाय लोग अभी उठे हैं। हाय, व्हाट्स अप? कैसे हो? हेलो, स्काईज तुम्हारा अप। वीडियो अटक गया, पॉज हो रहा है। तुम्हारा नहीं, नेटवर्क तुम्हारा अच्छा अटक नहीं? रहा है। मेरा नेट अच्छा है। नहीं, तुम्हारा नेटवर्क अच्छा नहीं। मेरा नेटवर्क अच्छा है, तुम्हारा अच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है, और मेरा अच्छा कैसी नहीं है, हो? बस खुश हो रहा हूँ। क्या? कैसी हो तुम? शूट उट हो रहा है? नहीं हो रहा है कुछ? ये संडे मना रही हो? ठीक हूँ, मैं संडे भी मना रही हूँ, लेकिन शूट भी करना है, काम भी है। शूट कर रहे हैं? और अब क्योंकि लेट हो गया है आज, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। चलो आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ। अच्छा ठीक ठीक तो है। बताओ जन्नत, कैसे? पहले का लूँ कुछ? पहले का कुछ पूछता हूँ अब वाह, इंटरव्यू खुद ले रहे हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो पूछना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ स्क्रिप्टेड है। तो पहले अच्छा चलो पूछो। के बारे में बताओ, जब तुम टीवी सीरियल्स करती थी तो वो टाइम पे मतलब कितना, मतलब शूट के लिए कितना कितने टाइम का प्रोसेस रहता था? मतलब सुबह जाती थी और कितना दिन, पूरा पूरा दिन शूट होता था, फिर रात में कब आती थी? हाँ, तो क्या पूरा शूटिंग के लिए जवाब शूट्स दो। होते हैं। हाँ, अरे कैसा, इतना 2 सेकंड रुकोगे कि नहीं? 12 घंटे का शूट होता था, क्योंकि हेयर मेकअप के करवाना होता था तो आधा घंटा पहले जाना होता था। तो सपोज 9 बजे की शिफ्ट होती थी तो 8:30 बजे का कॉल टाइम होता था। 8:30 बजे जाती थी, 9 बजे से शूट होता था रात के 9 बजे तक। कभी कभी लेट भी हो जाता था और फिर घर पे आना होता था। तो पूरा आई थिंक हर चीज मिला के कुछ 14 आवर्स एवरी डे का काम होता था वो। तो ये कितने साल का प्रोसेस था? ये था कुछ 10 साल का प्रोसेस। 10 साल का प्रोसेस था? 10 साल मतलब एक शो किया, फिर वो बंद हुआ, फिर दूसरा शो किया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 2 साल मतलब साल बैक फिर टू बैक शो बंद शूट, कर दिया। कंटिन्यू शूट हुआ? हाँ, और फिर उसके बीच में पढ़ाई भी, हाँ, स्कूल अच्छा, भी। पढ़ाई भी? अच्छा, और नहीं तो तुम क्या है। स्कूल में जाती थी तो तुम्हें बच्चे लोग पकड़ते नहीं थे? मतलब तुम्हारे साथ के फ्रेंड्स लोग वो टाइम पे, स्कूल टाइम पे, स्कूल टाइम पे, स्कूल स्कूल जाती थी ना तुम, कि घर पे बैठ के जाती एग्जाम दो? जाती थी ना, तो तुम्हें स्कूल में बच्चे लोग पकड़ते नहीं थे? अरे आप तो सीरियल वाली हो, फिल्म में आती हो। पकड़ते थे बस। हाँ, वैसे मैं बहुत कम जा पाती थी स्कूल, और एग्जाम भी होता था तो पहले मैं चली जाती थी, एग्जाम दे देती थी, फिर शूट पे चली जाती थी। तो इतना नहीं होता था, क्योंकि मैं बचपन से एक ही स्कूल में बड़ी अच्छा, हूँ, तो एक ही ये साल जब में। शूटिंग के टाइम पे तुमको टाइम मिलता था पढ़ाई का? हाँ मतलब टाइम निकालना पड़ता था, मिलता तो इतना नहीं था। और जब दूसरा सीन लगता है या लाइटिंग होती है ये ऐसा वो था कि टाइम एक हाथ होता में है स्क्रिप्ट रहती थी और एक हाथ में बुक रहती थी? ना। हाँ नहीं, मम्मी पढ़ाती थी, मम्मी पढ़ाती थी मुझे, मम्मी पढ़ाती थी? मम्मी पढ़ाती थी। मैं कभी ट्यूशन नहीं गया, सिर्फ 10th मैंने ट्यूशन किया था, उसके पहले मम्मी। और मुझे आदत थी कि मम्मी आंसर रीड करके मुझे याद करेंगी तो ही मैं याद करूंगी, वैसे मुझे आदत थी। इसको भी लग गई वो आदत, तो मुझसे ज्यादा और आंसर ज्यादा, तो हम लोग की एग्जाम की टेंशन मम्मी को रहती थी, क्योंकि मम्मी को याद कराना होता था। तो उसके लिए पहले मम्मी को याद कराना पड़ता था, उसके बाद मुझे याद कराना पड़ता था। मतलब है नहीं ये तो, मैं मतलब मैं बहुत वीक था पढ़ाई में, और 11th 12th में आके तो मैंने सोच लिया था कि मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही वीक था और पढ़ाई तो होती नहीं थी, और थोड़ी बहुत कॉपी भी करता था यहाँ वहां से पूछ उछ के। फिर कॉपी मैंने आज तक नहीं की, मैंने कॉपी किया, क्योंकि मुझे बहुत डर क्योंकि और लगता मैं ना हमेशा यही सोच के जाता था कि कॉपी नहीं करूंगा, हमेशा यही सोच के जाता था कॉपी नहीं करूंगा, मगर एंड में यही होता था कि ना मैं कॉपी कर लेता था, क्योंकि मैं घबरा जाता था कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। मगर मैंने कैसे भी करके 13 के बाद से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई था। पे पूरा फोकस किया, कैसे कैसे करके मैंने मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया। बहुत अच्छे चलो थोड़ा फैन जोर का भी इतना कर दो। बताता। सब खैरियत है? ओके, आयान की भी कटिंग होनी है, मेरी भी कटिंग होनी है, कलर और मेरा कलर होना है। पहले यार, डैडी दोस्तों का करूंगा, प्लीज आई मैं मीन यू। कराऊंगा डैडी कटिंग, को पहले मैं कराऊंगा एश, एश। और फिर
डैडी मुझे बोल रहे बुक करो अर्बन क्लास। लाइव ज्वाइन किया है आई आ सकते हैं ना डैडी मेरे सुबह सुबह फ्रेश हो गया आ जाते हैं कम लाइव है लाइव तुम चलो वालेकुम सलाम खैरियत तुम्हारी तो आज शूट थी तुम्हारी तो आज शूट थी आज शूट था ना तुम्हारा हां 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 शूट पे हो शूट पे हो वालेकुम सलाम हां कैसे हो आप कैसी आपकी तबीयत एकदम ग्लो कर रहे हो गला अभी देखना अभी तीन दिन में डैडी का लुक पूरा चेंज हो जाएगा एक अलग लेवल ग्लो करने वाले तो हम लोग कोई पूछेगा ही नहीं फिर तो और क्या हो रहा है कहाँ पर हो मैं यहीं पे हूँ मलाड में मड साइड पे मड में ओ अंकल फंसाओगे आप मेरे को यहाँ पे हाँ यहाँ पे फंसाओगे मेरे को चलो ठीक है और कभी उठे आप नाश्ता हो गया साथ नहीं अभी नाश्ता नहीं हुआ जा रहा था नाश्ता करने अब यार बहुत ही लेट उठने लगे हैं क्योंकि सोते हैं 2 बजे 2:30 बजे तो उठने में देर लगती है और 23 आज जन्नत तुम्हारा बर्थडे आने वाला है हाँ मेरा बर्थडे आने वाला है 29 को एक हफ्ता है मेरे बर्थडे को अभी तो क्या है सरप्राइज सरप्राइज है कि नहीं हाँ सरप्राइज तो है सरप्राइज है तो है बर्थडे पे जन्नत का सरप्राइज तो खुल चुका है लेकिन सबको क्या अरे जो नहीं कहाँ भूल गया हाँ तो ये बराबर क्या 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 है हाँ क्या नहीं तो बर्थडे पे सबके लिए सरप्राइज है अच्छा बताएंगे सरप्राइज सबका दो दिन में अच्छा मुझे ही बता देना सरप्राइज है अच्छा तुमको भी बता देना वाह कितने अच्छा एक्ट करो चलो ठीक है तुम अपना लाइफ कंटिन्यू करो ठीक है वो लाइफ हाँ ठीक है अपना लाइफ कंटिन्यू करो हेलो पॉज हो गया क्या हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ ठीक है मैं जाऊँ नाश्ता वाश्ता करूँ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़